हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट गलगल के अचार की रेसिपी। ये बहुत ही चटपटा और मसालेदार होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने दो बड़े साइज के गलगल लिए हैं। वजन से ये 1 किलो 30 ग्राम है। इनके छिलके में हल्की सी कड़वाहट होती है, तो इन्हें हम सबसे पहले बॉयल करेंगे। तो गैस पर एक बड़ा पतीला रखा है मैंने और इसमें ये पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें गलगल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट तक इन्हें बॉयल कर लेंगे ताकि छिलके की कड़वाहट भी चल जाए और हल्के सॉफ्ट हो जाएं। चाहे तो इन्हें खुला इस तरह से बॉयल कर लें या इस तरह से ढक्कन से कवर कर दें और थोड़ा सा गैप रहने देंगे स्टीम जाने के लिए। ये देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी भी हल्का येलो हो चुका है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और इन्हें किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लिया। आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे कट करेंगे, तो इसे छोटे बड़े जैसे चाहें आप पीसेस में कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले इसकी ये साइडिंग्स निकाल देंगे। अब सेंटर से कट करेंगे इस तरह से और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह से ये मैं दोनों गलगल काट कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमने इसे ज्यादा बॉयल नहीं किया है, 6-7 मिनट तक हमने इसे इसलिए बॉयल किया ताकि ये तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए ये थोड़े बड़े पीस हैं, इनका छोटा कर लेते हैं। अब ये सारे गलगल मैंने काट के तैयार कर लिए। अब हम इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो तड़का पैन में हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने डालेंगे, 4 बड़ी इलायची डालेंगे ब्लैक कार्डेमम और ये 1-1.5 इंच के ये दालचीनी के पीसेस डालेंगे। 2 छोटे चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को भूनेंगे हम और ठंडा होने के बाद इसे दरदरा सा इसका छिलका उतार कर हम इसे पीसेंगे। ये जो बड़ी इलायची है ना, इसका छिलका उतार कर पीसेंगे। ये देखिए मसाला भुन गया है, लो फ्लेम पर ठंडा करके इसे पीस लेंगे दरदरा सा। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत ही बढ़िया बनता है, तो हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेल हम कम डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि इसमें ये थोड़े से मसाले भुन जाए। तो ये 3 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। ये देखिए स्मोकी पॉइंट तक हमने इसे गर्म कर लिया। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, मेथी दाना जलना नहीं चाहिए। अब इसमें सौंफ डालेंगे 1 छोटा चम्मच, एक और डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच सौंफ डाल दी मैंने इसमें। इसे हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, गैस की फ्लेम हमने ऑफ रखी है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली है मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच ही मैं इसमें देगी लाल मिर्च डालूंगी कलर के लिए। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर डालेंगे सौंठ, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मसाला दरदरा सा पीस कर रखा था ना, वो डाल देंगे, उसके 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। अब नमक डालेंगे इसमें, ये 3 बड़े चम्मच इसमें नमक डाल देंगे।
क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी ऐड करना है। इसमें एक छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर काला नमक नहीं है तो आप इसमें वाइट नमक जो रेगुलर सॉल्ट है उसके 4 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसमें ये जो पीसेस डाल देंगे, 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 100 ग्राम गुड़ को क्रश करके डाल देंगे। अभी हम इसमें 100 ग्राम डाल रहे हैं, जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो टेस्ट करके हम देखेंगे, क्योंकि ये गलगल थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में। ये देखिए अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसे एक बार टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें गुड़ और तो नहीं डालना है, नमक या गुड़। तो इसमें मैं 50 ग्राम गुड़ और डाल दूंगी क्योंकि ये काफ़ी खट्टा है। आप चाहें तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं, गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ में ये बहुत ही हेल्दी बनता है। अब गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए अब ये बनकर तैयार है, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में, ये देखिए मैंने निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के बाद हम एक स्टरलाइज ग्लास बॉटल में फिल करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह की बॉटल में, ये सालों तक खराब नहीं होता है अगर आप इसमें सूखा चम्मच यूज करेंगे, गीले हाथ नहीं लगाएंगे तो। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।